ये देखो देखो कहाँ ला रहा है भाई, ये कहाँ ला रहा है भाई। जितने बच्चे देख रहे हो ना सब मेरे स्कूल के बच्चे हैं। अबे कहाँ से ला रहा है, रॉन्ग साइड से। कभी स्कूल गेट आगे से ना हायाबुसा लेके जाएंगे। ये जो सामने स्प्लेंडर वाला खड़ा है ना, इसकी ड्राइविंग देखना तुम बस। फिलहाल अभी नीचे मैंने एक नई गाड़ी ले रखी है, तो उस गाड़ी को हम लोग चला के देखते हैं। भैया ने इसमें एक्रोपॉविक लगा रखा है, सोच रहे हो। स्कूटी के मामलों में मतलब बहुत तगड़ी गाड़ी है स्कूटी में अगर देखे जाए तो। बट यार है भी बहुत महंगी यार, 2 लाख की पड़ी भैया को ये। भाई रिएक्शन भी अच्छे काफी आ रहे हैं इसके, महंगे लोग देख रहे हैं काफी। तो भैया हमको बता देंगे कि हायाबुसा लोग कब ले जाएंगे। भाई चलाना नहीं आता क्या इसको, भयंकर गाड़ी ठोक दी। वो तो अच्छा साइलेंसर में ठोकी इसने, देखो भयंकर रॉन्ग साइड भी ले आ रहा, मेरी गाड़ी को ठोका इसने। So, hey guys, welcome back to a new vlog. तो यार आज बज रहे हैं दिन के 2:30 और फिलहाल अभी मैं रेडी हो चुका हूँ बाहर निकलने के लिए, बिकॉज आज हम जाने वाले बाहर ब्लॉग बनाने के लिए। और आज हम लोग करने वाले हैं मोटो 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 ब्लॉग। सो फिलहाल मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि हम लोग मोटो ब्लॉग करेंगे, मतलब एक दो ब्लॉग पहले पे कहा था, बट उस समय मैंने किया नहीं था बिकॉज उसका वो जो माउंट है ना, ये जो है ये टूट रहा था, तो अभी मैंने जस्ट ये एडजस्ट कर रखा है। तो अब कोशिश करेंगे हम लोग मोटो ब्लॉग कर सकते हैं आराम से। सो फिलहाल अभी हम लोग निकलते हैं, और अभी शायद से आयुष भी आने वाला है, तो उसको मैंने बुला दिया ब्लॉग पे। तो हम लोग निकलते हैं, रेडी हो गए। मैं फिलहाल रेडी हो चुका हूँ, बस जूते पहने और थोड़ा बाल सेट करने हैं यार। बाहर जाएं और डीओ ना लगाएं, ऐसा हो सकता है जब किसी के दोस्त का डीओ या फिर किसी का भी मतलब और का डीओ होता है ना, तो भयंकर खूब फुस फुस करके जब तक वो मतलब आधा ना हो जाए। खुद का होता तो महंगा थोड़ा कम लगाते हैं लोग। तो चलो भाई इसको नीचे उतारते हैं। आज इतने दिनों बाद इसको पहनने का मौका मिलेगा। वैसे पहन तो लिया था मैंने, बट मोटो ब्लॉग नहीं कर रहा था इतने दिनों से मैंने। यार मोटो ब्लॉग तो कर रहा हूँ ना, बट मुझे फिर भी थोड़ा बहुत देख कर इसको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो ये यहाँ से इसका पूरा ये टूट रहा था पता है, तो मैं जरा सा मतलब कुछ हुआ तो मतलब दिक्कत हो सकती है, गिर सकता है। मेरी वॉच में चार्ज भी नहीं है। चलो डॉलर बाय बाय, बाय बाय। तो चलो फिलहाल हम लोग निकलते हैं। गाड़ी मैंने बाहर निकाल दी है यार, बड़े बालों की वजह से महंगा हेलमेट पहनने बड़ी दिक्कत होती है यार, बाल चुभ जाते हैं मेरे। बस यार आई होप ये गोप्रो ना निकले यार। तो फिलहाल मौसी लोगों के यहाँ देता हूँ चाबी। ये चाबी रख लो, मम्मी को दे देना, मम्मी शादी में चले गई। मुझे पता है बुलेट के शोरूम से इतनी बार कॉल आ गया कि भाई अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा लो, बट मैंने अभी तक नहीं करा रखी। ये मेरा सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया अभी तक का मैंने सर्विस नहीं करी, वरना और टाइम मैं टाइम टू टाइम करा देता हूँ, बट आज ये इस बार मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इतनी टाइम से मतलब सर्विसिंग नहीं कराई गाड़ी की। भाई अभी हम लोग ऐसे बुलेट में जा रहे हैं, और बहुत जल्द ऐसा टाइम भी आएगा जब हम यहाँ से ऐसे करके कोई सुपर बाइक में जाएंगे ऐसे करके भगा के, या फिर हम लोग सुपर कार या फिर कोई भी गाड़ी मतलब जा सकते हैं। ये देखो देखो कहाँ ला रहा है भाई, ये कहाँ ला रहा है, मैं कहाँ डाल दूँ गाड़ी को। अबे कैसे चलाते हैं यार ये बस वाले ना भयंकर, अगर बाई चांस यहाँ पे रोड नहीं होती मैं तो भयंकर गिर जाता ना। एक यार ये इंडिया में इतने स्पीड ब्रेकर से मैं परेशान हो गया यार। भाई इतने स्पीड ब्रेकर तो मुंबई में भी नहीं थे। वही पहले बैठ बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ। कहाँ गया, बैठ क्यों नहीं रहा, क्या कर रहा, बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ। आज मैंने भी सोचा चलो व्लॉग बना ही लेते घर पे खाली बैठ के, तो क्या ही होने वाला है यार। मैं बताता हूँ गाइस, पता है मैं आजकल अपना ज़्यादातर ध्यान पता है अपने सेहत पे और अपने मतलब जिम पे ज़्यादा दे रहा हूँ, बिकॉज यार व्लॉग पे भी ध्यान दे रहा हूँ बट थोड़ा मेरे और भी काम है। खुल गया एक और कैमरा, एक और कैमरा खुल गया। अबे कहाँ से ला रहे हैं, रॉन्ग साइड से। हाँ ये जितने बच्चे देख रहे हो ना सब मेरे स्कूल के बच्चे हैं, बताए ये सब मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। ये मेरी लेफ्ट साइड में देखना, मेरी स्कूल है मेरी लेफ्ट साइड में। ये देखो भाई यहाँ हायाबुसा लेके आएंगे कितना मजा आएगा यार। तो की रिएक्शन कभी स्कूल गेट आगे से ना हायाबुसा लेके जाएंगे, देखेंगे क्या रिएक्शन आता है भयंकर। भाई स्कूल के आगे से तो क्या ही तगड़े रिएक्शन आएंगे यार बच्चों के। अभी तो मैं थोड़ा तेज चला ना हायाबुसा में, थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा। अभी मार्केट चल रहे हैं, मार्केट निश्चय भैया के यहाँ जिनकी हायाबुसा नहीं है उनके वहाँ चल रहे हैं, उनसे कुछ काम है। अब बैठ जल्दी बैठ। भाई ये सामने आ रही स्प्लेंडर वाले की ड्राइविंग देखना, ये जो सामने स्प्लेंडर वाला खड़ा है ना इसकी ड्राइविंग देखना तुम बस। ये देखो अभी देखो देखो देखना वो वहाँ चले गया यार। अबे दिखा ड्राइविंग तो दिखा। ओ भाई ये देखो ये ओ भाई तो गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया उसे, थ्रॉटल दे रहा था गुस्सा आ गया उसे। देखो ये निकल गया पहले यार ऑटो वाली की वजह से मैं नहीं निकल पाया। हम भी निकालते हैं ऐसे ये भाई, अब नहीं निकाल रहा, उस टाइम पे ऐसे निकाल रहा था ना, अभी देखना निकाल भाई यार, मुझे वहाँ को जाना। देखो इसके चक्कर में यहाँ ले आया गाड़ी, अभी देखना कैसे कट मारेगा ये। उसको निकलने नहीं दे रहे लोग, उसको आगे नहीं निकलने दे रहे।
भाई है तो स्मार्ट स्मार्ट बॉय हो, हैंडसम एकदम। वो देखो ये देखो ये 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 ओ भाई आगे निकल गया, देखो आगे इसका पीछे करेंगे भयंकर। ओ भाई यहाँ रोक दी इसने। तो ये वाली है, हाँ ये वाली है, यही तो दुकान की। तो गाइस सर अभी फिलहाल हम लोग आए थे निश्चय भैया की दुकान पे और यहाँ पे बैठे हैं भैया। तो भैया से कल ही रात में हमारी बात हुई थी, बिकॉज मैंने ना आजकल एक एडिटिंग सीख रखी वीएन में, तो वो वाली एडिटिंग मैंने भैया को बताने वाला था आज। तो अभी फिलहाल हम लोग आए थे मैं और आयुष, अभी थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं हम लोग। निश्चय भैया ने एक नई गाड़ी ले रखी है, तो उस गाड़ी को हम लोग चला के देखते हैं। स्कूटी भैया कौन सी है? यामा एरोक्स। अच्छा कितने की पड़ी आपको ये? 2 लाख रुपए की है भाई। अच्छा ये बाहर भी खड़ी हुई है भयंकर, बड़ी अलग टाइप की लग रही है, मैंने देखी भी नहीं थी यार। और पता किस इंजन कौन से लगा भी बताने एक बार? यामाहा R15 का इंजन लगा हुआ है इसमें। यामाहा R15 भाई मतलब स्वीट निकलेंगे, हायरबुसा से कम नहीं है। देखते हैं भयंकर इसको चला के टेस्ट ड्राइव लेते हैं इसकी, मतलब यहाँ पिकअप विकअप तो नहीं पाएगा बट थोड़ा बहुत हो पाएगा। मतलब एग्जॉस्ट चेंज करा आपने इसका? बहुत लाउड है। अच्छा लाउड है एग्जॉस्ट? टॉर्क बहुत अच्छा है, पिकअप की साउंड भी अच्छी है। अच्छा चलो एक बार देखते हैं इसको। सर इसको देखता हूँ एक बार भाई, ये तो पूरा खतरनाक स्कूटी है, कैमरा लगाने के लिए लग रहा था। मैं इसको बाइक समझ रहा हूँ पता है, मैं उसका क्लच दबा मतलब वो दबा रहा हूँ, ब्रेक दबा रहा हूँ क्लच समझ के। 155 cc, 65 नहीं 155 है भाई। इसका साउंड बहुत लाउड है। अरे एक्रोपॉविक लगा रखा भैया ने, इसमें एक्रोपॉविक लगा रखा है सोच रहे हो भाई साहब? इसमें एक्रोपॉविक का चलाते थे ओ भाई भाई इसका इसका तो पिकअप भी काफी अच्छा है यार। अरे तो फीलिंग नहीं आ रहा गड्ढों में। हाँ कहाँ से आएगा फिर, ऐसे गोल चक्कर काट के आते हैं। पर भाई जो मजा हायाबुसा को चलाने में वो मजा तो भाई किसी में नहीं है यार। ओ भाई स्कूटी के मामलों में मतलब बहुत तगड़ी गाड़ी है यार। स्कूटी में अगर देखे जाए तो स्कूटी के मामले में अच्छी गाड़ी है, काफी मजा आया चलाने में भाई। बट यार है भी बहुत महंगी यार, 2 लाख की पड़ी भैया को ये। भाई रिएक्शन भी अच्छे काफी आ रहे हैं इसके, महंगे लोग देख रहे हैं काफी। और ये देखो इसमें एक्रोपॉविक का लगा रखा है, लोग देख भी रहे हैं, लोग बोल रहे होंगे कौन सी गाड़ी करके। तो भैया आप जब फ्री हो गए बताना, अच्छे से व्लॉग बनाने चलेंगे ठीक है? ओके भैया। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ आए थे थोड़ी देर के लिए, और फिलहाल हमने यार भैया की नई गाड़ी चलाई, तो काफी मजा आया यार गाड़ी चला के। चलो भैया बाय बाय। ओके आप बताना हायाबुसा का कब होता है ठीक है? सो फिलहाल यार हम लोग ना हायाबुसा भैया की ले जाते हैं, तो भैया हमको बता देंगे कि हायाबुसा लोग कब ले जाएंगे व्लॉग बनाने के लिए ना। चलो भाई गाड़ी बाहर निकालो भाई, चलाना नहीं आता क्या इसको? बहंगा गाड़ी ठोक दी, वो तो अच्छा है साइलेंसर में ठोकी इसने। अबे वो तो अच्छा होता है साइलेंसर मारी है, पीछे मारता ना इसको मैं फिर बताता, यही भूत बनाता व्लॉग में चलते चलते भूत बनाता इसका मैं। भाई कोई भी गाड़ी चलाता है थोड़ा देख देख के चलाया करो। वो देखो वो देखो ये जो बंदा है ना ये दिख रहा है, ये देखो रॉन्ग साइड ले आ रहा है, देखो ये स्कूटी UK04AB91 63। देखो भयंकर रॉन्ग साइड भी ले आ रहा, मेरी गाड़ी को ठोका इसने। फिर भाई मेरे को मेरे से साथ कोई बकचोदी करेगा ना मैं तो सीधे डाल दूंगा व्लॉग में, मैं नहीं देखूंगा कौन है कौन नहीं है करके। चलो यार अभी कुछ आ गए तो कुछ खा लेते हैं, बिकॉज भूख भी लग रही है मुझे। क्या खाएगा? चिकन खा रहे ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं फायरफॉक्स के शोरूम, क्योंकि अपने व्लॉग में साइकिल दिखाता रहता है और साइकिल लेता नहीं है, तो आज हम लोग फायरफॉक्स जाने कह रहे हैं। वो सब तो ठीक है बट भाई क्या हुआ? क्या हुआ? चलो गाइस फायरफॉक्स चलते हैं। सो फिलहाल आ चुके हैं हम लोग फायरफॉक्स पे, आ जा थोड़ा पैसा खर्च करके आते हैं। पसंद आ गई तो गाइस हम दो दो भी ले लेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। पैसा तो बहुत है आयुष पे, हम पे नहीं आयुष पे पैसा बहुत है यार। अभी ये क्या है? ये तो श्री नदी परीक्षा क्या? ये कहाँ पर है? अरे वो गाड़ी। अरे हमने ना बाइक चाहिए थी। सो अभी फिलहाल हम लोग साइकिल लेके आ चुके हैं, और अंदर यार शूट आउट करने दिया नहीं था, तो इसने पसंद कर ली होगी देखते हैं। वैसे 2-3 हैं इसने पसंद करी हैं, अब अगर लेगा तो देखते हैं कौन सी लेगा ये। आ जा फायरफॉक्स में भी बेइज्जती करा ली। सो कैसे फिलहाल अभी हम लोग आए थे, बताओ कहाँ आए हम, बताओ गैस करो ये जगह को, ये जगह बताओ कौन सी जगह। ये जगह मोमोज थोड़े जान पहचाने वाले होंगे अगर आप यहाँ पहले ही मैंने ब्लॉग देख रखे तो। ये फिलहाल यार मेरा वाला होटल है, ये वाला नया बन चुका है, मतलब ये एरिया वाला खाली इतना एरिया नया बना है, अभी तो बाहर तो वैसा ही है। अभी मैंने भी आज पहली बार ही देखा, क्योंकि मैं मुंबई में था ना तब यहाँ काम चल रहा था, तो अभी देखा मैंने, पापा तो पूछा ये बन गया, तो ये बन गया पूरा। तो फिलहाल अभी यहाँ मोमो खा रहे हैं हम लोग, और ये देखो पूरा मैं दिखाता हूँ, ऐसे मतलब काफ़ी बढ़िया बना दिया यार ये। वो देखो वहाँ
काउंटर वगैरह पापा का, और ये एसी भी लग गया यहाँ। बढ़िया, काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। अब मेरे ख्याल से यहाँ लोग भी बहुत ज्यादा आएंगे, बिकॉज जगह भी एक तो बैठने की और होगी ना। ये देखो, ये ना यहाँ पे बना, देखो ये जगह पहले खाली थी ना, अब ये यहाँ पे ये बन चुका है। सो गाइस यार, अभी बज चुके हैं रात के 9:50, और फिलहाल अभी मैं आ रहा हूँ अपने जिम से। मैं होटल से आने के बाद मैं सीधे जिम चले गया था, बिकॉज मेरा जिम आजकल रेगुलर चल रहा है। मैं कल दिखाऊंगा, कल मैं शायद से सुबह जा सकता हूँ ना, तो आज मैंने जिम में व्लॉग नहीं किया। तो फिलहाल अभी मैं आपको ना अपने कमरे का हाल दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये जैकेट यहाँ पड़ी हुई है, ये देखो मैं एक कैमरा यहाँ पड़ा है, अब मेरा फोन का डब्बा वहाँ पड़ा है, गिम्बल यहाँ पड़ा है, ड्रायर यहाँ पड़ा है, कपड़े देखो भयंकर मेरे कमरे का हाल। जो लोग लड़के हैं ना भाई, सच सच बताना भाई, तुम्हारे कमरे का हाल भी ऐसे होता है ना, सच बताना, झूठ मत बोलना। और अगर होता है तो इंस्टाग्राम में एक बार दिखाने का फोटो, मैं देखूंगा भयंकर कि मतलब और लोगों का कैसा हाल होता है उनके कमरे का। सो गाइस फिलहाल इस व्लॉग को उंगली पर एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो प्लीज जाके सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दो प्लीज, और न्यू वीडियो लाते रहेंगे बहुत जल्द। तो बाय बाय।